हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज बैंक निफ्टी क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं 4 आवर बैंक निफ्टी चार्ट, और इसमें आज पिवट पॉइंट 26,088, फर्स्ट रेजिस्टेंट 26,226, सेकंड रेजिस्टेंट 26,460 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 26,597, फर्स्ट सपोर्ट 25,854, सेकंड सपोर्ट 25,717 एंड थर्ड सपोर्ट 25,482। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी चार्ट, और ये मैंने डेली चार्ट लिया। तो इसमें आप एक बात यहाँ से देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ये जो 200 मूविंग एवरेज है, जो ये 200 मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट किया, जो रेजिस्टेंट था यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हायर हाई बनाया, हायर लो, और ये देख सकते हैं ये हायर लो है, यहाँ पे ये प्रीवियस लो है और एक हायर हाई बनाया, उसके बाद फिर से एक हायर हाई बनाया, राइट। ये देख सकते हैं ये पहले हायर था, इसको 200 ब्रेकआउट करके एक हायर हाई बनाया, तो फिर से मार्केट नीचे आया। यहाँ से एक सपोर्टिंग जोन मिला हमें यहाँ पे अराउंड 25,969 आसपास एक सपोर्टिंग जोन था, तो मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट किया। तो रिट्रेसमेंट करने के बाद मुझे लगता है ये मार्केट ऊपर तक जाने का चांसेस है, लेकिन ऊपर तक कहां तक जा सकता है उसका हम क्या करेंगे। प्रीवियसली जो एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने एक ड्रॉ किया, जैसे ये यहां पे मैंने क्यों ड्रॉ किया तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रॉ किया, ये आप देख सकते हैं इसको पहले कई बार ट्राई किया था, फर्स्ट ट्राई ब्रेकआउट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट ब्रेकआउट किया, उसका बाद पुल अप हुआ, एंड ये जो पहले रेजिस्टेंट था उसको सपोर्ट हुआ, उसका बाद मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये मार्केट ये पहले हायर पॉइंट बनाया, हायर लो, हायर हाई, और सपोर्ट में रिट्रेसमेंट किया, उसका बाद ऊपर जाने का चांसेस है। तो जाएंगे तो पहले हमें मिला लॉन्ग पोजीशन में, आप देख सकते 26,745 डेली में मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर ये लाइन जो दिया हुआ है अराउंड 25,900 का आसपास जो लाइन दिया हुआ है, इसको अगर ब्रेकआउट किया तो मुझे लगता है मार्केट और नीचे आ सकता है, जो पहले सपोर्टिंग लाइन है। तो देखना है इसको ब्रेकआउट करेगा, आज यहाँ से मार्केट रैली कर पाएंगे तो इसका ऊपर हम देखेंगे। तो अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में मार्केट 200 मूविंग एवरेज की आसपास नीचे में है, राइट। तो स्टिल मतलब डाउन ट्रेंड है, लेकिन बात यह है यहाँ पे हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, राइट। थोड़ा बहुत तो करेक्शन देना चाहिए डेली में, राइट। जो जितना करेक्शन देने वाला था उतना करेक्शन तो मुझे लगता है कर लिया है यहाँ पे। तो अगर आप 30 मिनट में देखें तो 30 मिनट में देखें तो मार्केट आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी 30 मिनट में अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे और एक बात मैंने 30 मिनट में एक बात आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसका सपोर्टिंग जोन कौन सा था, ये 150 मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन का दिखाई दे रहा है ये है 150 मूविंग एवरेज, राइट। ये 150 मूविंग एवरेज पहले ये सपोर्ट, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, ठीक है। फिर से मार्केट आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि 50 मूविंग एवरेज से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चांसेस है, राइट। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको बाय करने के लिए, मुझे लगता है यहाँ से बाय ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे ये एरिया से, क्योंकि पहले ये सपोर्टिंग रेंज इसको फॉलो करके आ रहा है। मतलब हम
क्यों इसको यहां से ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि इसको ये जो सपोर्टिंग लाइन है 200 मूविंग एवरेज, तो इसको फॉलो करके गया हुआ है। तो हमें एक कंफर्मेशन मिला हुआ है कि मार्केट यहां से जा सकता है, लेकिन एक कंफर्मेशन से हम ट्रेड नहीं करता। तो दूसरा कंफर्मेशन यहां पे आप देख सकते हैं स्टोकेस्टिक, जैसे यहां पे स्टोकेस्टिक्स ब्रेकआउट हुआ था राइट, ए लेवल में स्टोकेस्टिक ब्रेकआउट हुआ था और क्रॉसओवर हुआ था 20 लेवल का नीचे में। यहां पे भी आप देख सकते हैं 20 लेवल के नीचे में क्रॉसओवर होने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो और सीसीआई भी देख सकता है उस समय आप जीरो लाइन और माइनस 100 लाइन को क्रॉसओवर किया था, राइट। तो यहां पे भी सेम इंडिकेटर यहां पे पैटर्न होता है वो हमें मिल रहा है। हमें मिला वन इंडिकेटर कंफर्मेशन, टू थ्री कंफर्मेशन मिल रहा है, एक जैसे वन टू थ्री कंफर्मेशन मिल रहा है। तो थ्री कंफर्मेशन में क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है ऊपर जाने का, ठीक है। तो और आप एक बात देखेंगे, यहां पे कोई प्रीवियसली कोई सपोर्टिंग लाइन है क्या, तो यहां पे मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां का आसपास, नॉट एग्जैक्टली बट यहां का आसपास एक सपोर्टिंग रेंज मिला है। तो मुझे सपोर्टिंग रेंज यहां पे मिला हुआ है, राइट, यहां पे देख सकते हैं यहां पे। तो इतना थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन ये एक सपोर्टिंग रेंज है वहां जहां से वो पुल अप होके मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन ये अगर ऊपर चला गया तो ऊपर कितना हम इसका टारगेट ले सकता है, तो पहले जैसे मैंने यहां पे एक टारगेट का लो ड्रॉ किया था लाइन से 26700 का आसपास, ये लॉन्ग पोजीशन आने वाला में जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो हम एंट्री कहां पे करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम बात करेंगे अभी मार्केट एंट्री कहां पे करेंगे। तो अगर हम इसको 15 मिनट में कर लूं, ठीक है, तो 15 मिनट में भी हम देखेंगे यहां से मार्केट 200 के आसपास से मार्केट वापस गया था गया। तो इसके लिए हम देखेंगे अभी, जैसे आप मैंने थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, तो यहां पे भी और एक चीज आप देख सकते हैं 200 का, क्योंकि यहां से क्यों ऊपर जाने का चांसेस है वहां से। तो प्रीवियसली आप देख सकते हैं 200 को थोड़ा बहुत ब्रेकआउट किया था, राइट। तो यहां पे भी 200 ने ब्रेकआउट किया था और पैटर्न भी सेम पैटर्न है, जैसे ये लोअर पैटर्न एक पैटर्न था, यहां पे मार्केट ऊपर ऐसे साइडवे में था, उसका बाद ब्रेकआउट किया, 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्टिंग जोन बनाया है यहां पे, उसका बाद मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं यहां एक हमें रेंज मिला, इज अ सिमिलर रेंज, राइट, यहां पे। और सेम टाइम 200 को भी ब्रेक किया, यहां पे भी 200 को ब्रेक किया हुआ है, तो यहां से मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो सेम देखेंगे स्टोकेस्टिक और सीसीआई क्या हो रहा था ये समय, आप देख सकते हैं सीसीआई बिलो लेवल -100 का नीचे में था और ये 20 का नीचे था, राइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं सीसीआई भी सेम पैटर्न फॉर्म किया हुआ है यहां पे, राइट, बिलो -200 और ट्राइंग टू गो अप फ्रॉम हियर, एंड यहां पे भी देख सकते हैं आप CCI भी क्रॉसओवर किया। तो यहां से हमें ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है 15 मिनट में, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, जहां पे आप ऑप्शन में बाय करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। तो अगर हम इसको देखें तो एंट्री कहां करना है हमें मार्केट, राइट। तो एंट्री करने के लिए मैं पहले जो यहां पे था ये पैटर्न, तो यहां पे आता हूं पहले जो, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक चीज क्रॉसओवर किया तो बाद में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, राइट, ये बुलिश कैंडल लिया, बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद जो हायर बुलिश हमें ये एरिया में मिला, उस समय ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर ने जो 5 मूविंग एवरेज है, और सॉरी हां ये 5 मूविंग एवरेज है जो थोड़ा ग्रीन कलर का है, ये 5 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया किसको, ये 22 मूविंग एवरेज है जो मैंने लिया, ये 22 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर किया वहां पे, राइट। तो क्रॉसओवर किया जब 22 को, तो आप जब क्रॉसओवर किया वो कौन सा कैंडल ने क्रॉसओवर किया, ये कैंडल ने, राइट, ये जो कैंडल इसका क्रॉसओवर, उसका थोड़ा ऊपर हम बाय लेंगे, अगर ये एरिया में बाय लेता तो मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है,
राइट। तो इसलिए हम अभी कहां पे बाय लेंगे, हम देखेंगे यहां पे। अभी आप देख सकते हैं ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस कर रहा है, लेकिन यहां पे अभी भी हमें क्या मिला, ये 5 मूविंग एवरेज है राइट। ये जो ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का जो 5 मूविंग एवरेज, थोड़ा मैं बड़ा करके देता हूं, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, हाँ। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको रिमूव कर दिया, हाँ। तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी भी ग्रीन जो लाइन है, वो जो ग्रीन लाइन है, ये लाइन ने अभी भी ये 5 मूविंग एवरेज में क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, 5 मूविंग एवरेज, तो आपको पता चल जाएगा ये 5 मूविंग एवरेज राइट, ये कलर है। तो इसने अभी तक 22 मूविंग एवरेज, जो 20, मैंने इसको 22 बना देता हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ, तो ये भी एक्सपोनेंशियल कर लेता हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल ही है। तो 22 को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मैंने दिया है उसको तोड़ना चाहिए, लाइक कैसे होना चाहिए, ये है 22 मूविंग एवरेज और ये 5 मूविंग एवरेज, तो उसको क्या करेगा, क्रॉस ओवर करेगा, ठीक है। तो ये 22 ईएमए राइट, और ये 5 ईएमए, तो इसको जब क्रॉस ओवर करेगा, जो और जो कैंडल ने क्रॉस ओवर, सपोज ये कैंडल ने क्रॉस ओवर कर दिया, उसका थोड़ा ऊपर में हम बाय प्लेस करेंगे एंट्री। जैसे यहाँ पे जब क्रॉस कर देगा इसको, जो कैंडल फॉर्म होगा यहाँ पे क्रॉस करने के बाद एक कैंडल फॉर्म होगा राइट, ये कैंडल का थोड़ा हाई में हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें होल्ड करना है जब तक इसको क्रॉस ना करे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।